वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियर्स चॉइस ट्यूटर। डिजिटल सर्किट एंड सिस्टम की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे 3:8 डिकोडर के बारे में। ओके, तो हम 3:8 डिकोडर इंप्लीमेंट करेंगे। बेसिक्स ऑफ डिकोडर हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, ठीक है। तो देखिए, 3 इनपुट लाइंस होंगी इसमें, 3 इनपुट लाइंस होंगी और 8 क्या होंगी इसकी आउटपुट लाइंस होंगी, ठीक है। तो बेसिकली देखिए, 3 इनपुट्स है मींस 2 to the power n मींस 2 to the power 3, दैट इज 8 इनपुट कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ठीक है। एट इनपुट कॉम्बिनेशन। डिकोडर की बात हो रही है तो इनेबल का कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। व्हेन इनेबल इनपुट इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब इनेबल इनपुट 0 हो जाए तो क्या होता है, देन ऑल द आउटपुट्स, देन ऑल द आउटपुट्स आर 0, ओके। एंड सेकेंड क्या होता है, व्हेन इनेबल इनपुट इज इक्वल टू 1, ठीक है, then only one output from Z7 to Z1, Z7 to Z0 is active, okay, for a given input, okay? तो ये दो कॉन्सेप्ट है अपने पास, ठीक है। चलिए, हमें मान लो मैं इनेबल जीरो हो जाएगा तो ए बी सी कुछ भी रहे, हमें आउटपुट्स तो सारे के सारे 0 0 0 ही मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये केस तो ऐसे ही हटा दीजिए, ठीक है। यहाँ से ये केस मेन है जिसमें इनेबल क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। इन सभी केस में इनेबल क्या हो गया है, 1 हो गया। तो चलिए, मैंने बोला ही था इसमें 3 इनपुट्स हैं, ए बी एंड सी, 3 इनपुट्स हैं, तो कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, 2 to the power 3, दैट इज 8 इनपुट कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे, ठीक है। 8 इनपुट कॉम्बिनेशन, तो 8 इनपुट कॉम्बिनेशन बन गए। कौन कौन से देखिए, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 and 1 1 1। देखिए, 0 0 1 के लिए अपना, ये बेसिकली यहाँ पे है ना, 0 0 0 के लिए क्या है, अपना जेड नॉट वाला आउटपुट हाई है, ठीक है। 0 0 1 के लिए Z1 वाला आउटपुट हाई है, 0 1 0 के लिए Z2 वाला आउटपुट हाई है, 0 1 1 के लिए Z3 वाला आउटपुट हाई है, 1 0 0 के लिए Z4 वाला आउटपुट हाई है, और 1 0 1 के लिए Z5 वाला आउटपुट हाई है, 1 1 0 के लिए Z6 वाला आउटपुट हाई है, और 1 1 1 के लिए Z7 वाला आउटपुट हाई है, ठीक है। तो हर एक डिफरेंट इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए डिफरेंट इनपुट्स हाई हैं, ठीक है। सिर्फ एक ही इनपुट हाई रहेगा एक कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है। तो चलिए, अब हम क्या करते हैं, के मैप की हेल्प से Z7, Z6, Z5, Z4, Z3, Z2, Z1 और Z0 का हम क्या निकाल लेते हैं, एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए, ये क्या है, मिन टर्म नंबर 0, ये क्या है मिन टर्म नंबर 1, ये क्या है मिन टर्म नंबर 2, ये क्या है मिन टर्म नंबर 3, ये है मिन टर्म नंबर 4, ये मिन टर्म नंबर 5, मिन टर्म नंबर 6, मिन टर्म नंबर 7, ओके। तो चलिए सॉल्व करते हैं, कितने इनपुट्स हैं, हम Z7 के लिए पहले निकाल रहे हैं, ठीक है। Z7 के लिए इनपुट्स हैं अपने पास 3, तो ए बी एंड सी, ठीक है, 0 1, ठीक है, 0 0 0 1 1 1 1 0, सबको फिल कर लीजिए पहले, ठीक है। ए बी सी 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। ए बी सी 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1, ठीक है। ए बी सी 0 0 0 1 1 1 1 0 and 0 1, ए बी सी 0 0 0 1 1 1 1 0 and 0 1, ठीक है। ए बी सी 0 0 0 1 1 1 0 and 0 1, ठीक है। फिर यहाँ पे भी ए
बी सी, जीरो 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 वन, वन 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 जीरो एंड जीरो वन, ठीक है, ए बी सी, जीरो 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 वन, वन 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 जीरो एंड जीरो वन, ओके। तो चलिए के में आपका मालूम है, यहाँ पे मिनटर्म नंबर जीरो होता है, यहाँ पे मिनटर्म नंबर वन होता है, यहाँ पे मिनटर्म नंबर टू होता है, यहाँ पे मिनटर्म नंबर थ्री होता है, यहाँ पे मिनटर्म नंबर फोर, यहाँ पे फाइव, यहाँ पे सिक्स और यहाँ पे सेवन, ठीक है। इस हिसाब से जेड सेवन के लिए फिल कर लीजिए। देखिए जेड सेवन में क्या है, यहाँ से स्टार्ट है मिनटर्म नंबर जीरो, जीरो है, जीरो 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 जीरो, ठीक है। तो देखिए जीरो 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 जीरो, ओके, फिर है जीरो 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 एंड वन, ये है। तो यहां से जेड सेवन क्या मिल गया हमें, ये एक इंडिविजुअल बन रहा है। तो जेड सेवन क्या हो गया, देखिए हमें जेड सेवन क्या मिल गया, यहाँ पे अपना जेड सेवन आ गया ए बी सी, ठीक है, ए डॉट बी डॉट सी, ठीक है। अब हम किसके लिए फिल कर लेते हैं, जेड सिक्स के लिए। तो फिर से चेक कीजिए जेड सिक्स क्या है, देखिए जीरो 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 वन जीरो, ठीक है। तो देखिए भर लीजिए जीरो 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 जीरो, ठीक है, जीरो जीरो वन जीरो, ठीक है। तो यहां से अपना जेड सिक्स क्या आ गया, जेड सिक्स इक्वल टू क्या आ गया, ए बी सी बार, ओके। अब हम किसके लिए फिल कर लेते हैं, जेड फाइव के लिए फिल कर लेते हैं, ठीक है। तो जेड फाइव के लिए फिल करेंगे, सेम वैसे ही फिल कर लीजिए, मिड टर्म लिखा हुआ है पीछे, जीरो 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 जीरो, ओके। उसके बाद मैच कर लीजिए क्या है, जेड सिक्स के लिए फिल कर रहे हैं, देखिए जीरो 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 जीरो, फिर जीरो जीरो वन जीरो, ओके। जेड सिक्स तो हम फिल कर चुके हैं, जेड फाइव के लिए फिल कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो जीरो 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 वन जीरो जीरो, ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो हमने क्या फिल किया, जीरो 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 वन जीरो जीरो। तो यहाँ से जेड फाइव बराबर क्या आ गया अपना, ए बी बार सी आ गया, ठीक है। अब हम किसके लिए फिल कर लें, जेड फोर के लिए। तो जेड फोर के लिए फिल कर लीजिए, जीरो 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 वन जीरो जीरो जीरो, ठीक है। तो यहाँ से जेड फोर बराबर क्या आ गया अपना, ए बी बार सी बार आ गया, ठीक है। अब हम जेड थ्री के लिए फिल कर लेते हैं, देखिए जेड थ्री का क्या हो जाएगा अपना, जीरो 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 एंड जीरो वन, ओके, जीरो 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 जीरो, ठीक है। तो जेड थ्री अपना क्या आ जाएगा, ए बार बी सी, ठीक है। अब जेड टू के लिए फिल कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, जेड टू देखिए जीरो, ओके, जीरो देन वन जीरो 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 जीरो। तो जेड टू क्या आ गया अपना, ए बार बी सी बार, ठीक है। अब जेड वन के लिए फिल कर लेते हैं, जेड वन क्या आ गया, देखिए जेड वन है अपना क्या, सिंपली जेड वन देख लीजिए आप क्या है, ये अपना जेड वन है, तो जीरो वन, ठीक है। तो देखिए जेड वन है अपना जीरो वन जीरो 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 जीरो। तो जेड वन अपना क्या आ गया, ए बार बी बार सी, ठीक है। और फिर जेड नॉट के लिए फिल कर लेते हैं, तो जेड नॉट क्या आ गया अपना, देखिए यहाँ पे वन जीरो 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 जीरो। ये मैं फिल करना आता होगा तो बहुत इजी है ये, कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से जेड नॉट क्या आ गया, ए बार बी बार सी बार आ गया, ठीक है। अब इसी एक्सप्रेशंस की हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, लॉजिक डायग्राम। ये लॉजिक डायग्राम दिख रहा है आपको, किसका दिख रहा है, ये थ्री इस टू एट डिकोडर का, ठीक है। तो देखिए ये क्या है अपना, ए इनपुट है, ये क्या है बी, और ये क्या है सी, ठीक है। यहाँ पे सी का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा अपने को, ठीक है, यहाँ पे बी का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा अपने को, यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा अपने को, ठीक है, क्योंकि एंड मतलब नॉट गेट से होते हुए आ रहा है ये इनपुट, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट फर्स्ट एंड गेट की बात करूँ अगर मैं, तो यहाँ पे क्या आया, ए आया, सॉरी ए बार आया, ठीक है। फिर क्या आया, देखिए यहाँ पे आया बी बार आया, ओके, देन क्या आया आपका सी बार आया। तो फर्स्ट एंड गेट का क्या आउटपुट आया, ए बार बी बार एंड सी बार, यही तो है अपना क्या, जेड नॉट, ओके। सेकेंड वाले की बात करूँ मैं, सेकेंड में देखिए क्या क्या आ रहा है, ए बार आ रहा है, ठीक है, फिर यहाँ से आ रहा है बी बार, और फिर क्या आ रहा है, सी आ रहा है। तो इसका आउटपुट क्या आ गया, ए बार
बी बार एंड सी। तो ये अपना क्या है, ये जेड वन है। ओके अब देखिए थर्ड वाले एंड गेट की बात करूंगा, तो इसमें क्या क्या आ रहा है, देखिए ए बार आ रहा है, ठीक है, यहाँ से बी आ रहा है और यहाँ से सी बार आ रहा है, तो आउटपुट क्या मिल रहा है अपने को, ए बार बी सी बार, तो यही तो है अपना क्या, जेड टू। ठीक है अब फोर्थ वाले एंड गेट की बात करूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए ए बार आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है बी, और यहाँ पे क्या आ रहा जा रहा है सी। ठीक है तो क्या हो गया ए बार बी सी, तो ये क्या है अपना जेड थ्री। ठीक है फिफ्थ वाले की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, ए आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है बी बार आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है सी बार आ रहा है। ठीक है तो ये क्या हो गया ए बी बार सी बार, तो ये क्या है अपना जेड फोर। ठीक है अब देखिए सिक्स्थ वाले एंड गेट की बात करूं मैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए ए आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है बी बार आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है सी आ रहा है। ठीक है तो ये क्या हो गया ए बी बार सी, तो ये क्या आ गया अपना जेड फाइव आ गया। ठीक है सेवन्थ वाले एंड गेट की बात करूं, फिर एट्थ वाला एंड गेट ये है। ठीक है तो सेवन्थ में क्या आ रहा है, देखिए ए यहाँ से आ रहा है बी, ठीक है, और यहाँ से क्या आ रहा है सी बार। ओके तो ये क्या हो रहा है ए बी सी बार, ये क्या है अपना जेड सिक्स आया। ठीक है अब देखिए एट्थ वाले में देखिए ए आ रहा है, ठीक है सिंपल, फिर बी आ रहा है, फिर क्या आ रहा है सी आ रहा है, तो ये क्या हो गया ए इंटू बी इंटू सी, ये क्या हो गया अपना जेड सेवन। ठीक है तो ये क्या है अपना लॉजिक डायग्राम ऑफ 3:8 डिकोडर। ओके यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्या है आउटपुट लाइंस है, और देखिए 1 2 3 3 क्या है इनपुट लाइन है, यही तो हमें बनाना था ना, तो ये हमने बना लिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द फर्दर नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द अपकमिंग वीडियोज ऑफ डिजिटल सर्किट एंड सिस्टम।